किसानों ने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे के लिए ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया था, जिसके चलते कल दोपहर बाद किसान पंजाब के कई शहरों में रेलवे लाइन पर बैठकर ट्रेनों को रोक दिया। कल से चल रहे इन आंदोलन में जहां कल से यात्री काफी परेशान नजर आए, वहीं मीडिया में खबर आने के बाद आज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आई, क्योंकि शायद वो पहले ही अपना सफर तय करने के लिए विकल्प तलाश चुके थे। डीआरएम अम्बाला मनदीप भाटिया का कहना है कि किसान आंदोलन कल 12 बजे के बाद शुरू हुआ, जिसके चलते कल चार जगह प्रभावित रही ट्रेनें, जिसमें अहमदगढ़, नाभा, रामपुरा फूल व सुनाम आदि शामिल हैं, जिसमें आज सुबह समराला स्टेशन भी प्रभावित हो गया है, जिसके कारण अभी तक 95 रेलगाड़ियां प्रभावित हो गई हैं, जिसमें से 45 ट्रेन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, 31 ट्रेन को रद्द किया गया है, वहीं कुछ ट्रेन के रूट को अलग रूट में डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी किसान प्रोटेस्ट के 24 घंटे हुए हैं, अगर यह आंदोलन जारी रहा तो इन गाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के कारण जो गाड़ियों में सामान जाता है उसका भी नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है ये आंदोलन खत्म होने के बाद ही बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को रिफंड की भी व्यवस्था की जा रही है। किसान आंदोलन कल दोपहर को करीब 12 बजे से शुरू हुआ है। कल चार लोकेशन हमारी अफेक्टेड थी, इसमें अहमदगढ़, नाभा, रामपुरा फूल और सुनाम है। आज सुबह जो पोजीशन मिली है उसमें समराला स्टेशन जो सानेवाल और मोरिंडा के बीच में, वहाँ पे भी किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो हमारे डिवीज़न में 5 लोकेशंस अभी तक अफेक्टेड हैं, इसमें 95 गाड़ियाँ हमारी अफेक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से करीब 45 ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया है, 31 ट्रेन्स को कैंसिल किया है, 6 ट्रेन्स को डाइवर्ट किया है। सर कहाँ से डाइवर्ट किया गया जो ट्रेन डाइवर्ट किया है? जो डाइवर्जन है इसमें लुधियाना सुरेंद्र राजपुरा से 1058 को डाइवर्ट किया गया है, 22480 को सुरेंद्र अम्बाला से डाइवर्ट किया गया है, 2455 को जाकल बठिंडा से डाइवर्ट किया गया है और 6031 को नरवाना कुरुक्षेत्र अम्बाला लुधियाना से डाइवर्ट किया गया है। अगर ट्रेन कैंसिल की बात करें, अम्बाला में कितनी ट्रेन, अम्बाला कैंट की बात करें, कितनी ट्रेन रुकी हुई है अम्बाला? अभी तक हम लोगों की करीब करीब 31 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। अभी तो एजिटेशन को करीब 24 घंटे हुए हैं, ऐसी उम्मीद है कि ये अनदर 48 आवर्स कंटिन्यू करेगा तो ये संख्या और बढ़ेगी। फाइनल संख्या हम लोगों को 30 तारीख को जब ये आंदोलन समाप्त होगा तब बता पाएंगे। तो सर इसके अंदर जो लगेज जाता है उसका भी नुकसान हो रहा होगा, तो उसको किस तरह से भेजा जाए? लगेज जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उसी में जगह बना के भेजा जा रहा है, अदरवाइज जो स्पेस नहीं है तो उसको हम लोगों ने डिटेन किया है, नेक्स्ट अवेलेबल गाड़ी से उसको भेजा जाएगा। एसेंशियल सर्विस की बात करें तो किस तरह से? एसेंशियल सर्विसेज में जो स्केलेटन सर्विसेज है वो तो चल रही हैं, लेकिन जो सेक्शन हमारे बंद हो गए हैं, जैसे राजपुरा से बठिंडा बंद है, धूरी से लुधियाना बंद है, धूरी से हिसार बंद है, वहाँ पर हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो वहाँ तो एसेंशियल सर्विसेज भी बाधित हो रही हैं। ट्रेन कैंसिलेशन में एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से फुल रिफंड एडमिसिबल है। नुकसान का आकलन हम लोग ओवरऑल एजिटेशन कंप्लीट होने के बाद करके बता पाएंगे। तो सर जिस तरह से ये आंदोलन हो रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आंदोलन सही है या होने चाहिए? ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे, तो क्या ओपिनियन है? नहीं, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का अधिकार है, बस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से ये नहीं होना चाहिए कि बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस हो। तो इसीलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके आम आदमी की इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज़ किया जाए, उनको हम लोग अफेक्ट ना करें, अपना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते रहें।